सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बन्धौ गुरु पद पदुम आमी ए पूरी में जुरे विचार हूँ।
शेष मनोरथम वै लभेत सिद्धि कुलकीर्ति मायुः। आपदां बहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेशनाशाय गोविंदाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम राम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्ये श्री श्याम जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम।
श्री श्याम जय नर नारी भजो पावन नाम जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम नर नारी भजो पावन नाम जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम घाटोले बाबा जय श्री श्याम सबके करियो पूरण काम जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम सबके करियो पूरण काम जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम सबके करियो पूरण काम जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम सबके करियो पूरण काम जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम शीश के दानी की अमर कहानी संगीत में श्री श्याम कथा श्री श्याम संकीर्तन मंडल जनकपुर धाम का यह भव्य आयोजन। इस कथा के माध्यम से श्याम बाबा के पूर्व जन्म से लेकर के वर्तमान खाटू धाम में प्रकट होने तक की कथा श्रवण करेंगे। आज जो नए भक्त आए उनके लिए, क्योंकि आज कथा का दूसरा दिन और कल तीसरा और अंतिम दिन जब शीश के दान की कथा सुनाई जाएगी। पृथ्वी पुकार होती है, कंस और मुर्दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत पर देवगणों के समक्ष पृथ्वी गो का रूप धारण करके उपस्थित होती है, निवेदन करती है भूभार हरण करने के लिए। सभी देवगण मिलकर के भगवान विष्णु को पुकारते हैं और भगवान विष्णु पृथ्वी को आश्वस्त करते हैं, मैं शीघ्र ही अवतार लेकर भूभार हरण करूंगा। समय पाकर भगवान का अवतार होता है। उधर हस्तिनापुर में पांडवों को राजा बनाया जाता है। राष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण युधिष्ठिर युवराज होते हैं। दुर्योधन की ईर्ष्या के वश लाक्षाग्रह का निर्माण होता है। लाक्षाग्रह से बचते हुए पांडवगण हिडिंब वन में पहुंचते हैं, जहां बसों का भीमसेन के द्वारा वध होता है और हिडिंब की बहन हिडिंबा से भीमसेन का विवाह होता है। उपरांत घटोत्कच बल और बुद्धि की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर घटोत्कच मौर्वी का विवाह और विवाह के उपरांत एक बाल सूर्य की भांति पुत्र उत्पन्न होता है, जिसके बर्बराकार बालों की बाबा चमत्कार करता है और चमत्कार को ही नमस्कार है।
आज बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है और जिसको भी बाबा से प्रेम है, जो भी बाबा, तू क्यों घबराता है, तू क्यों घबराता है, जलाए तो ये
मेरे श्याम की लागो, मेरे श्याम की लागो, कोई समझ ना पाता रे, बराबर के आकार का हो जाता है। आठ योनियां ऐसी है जिनमें उनमें यह भी एक है जिसमें महिला गर्भ धारण करती है, उसके तुरंत बाद प्रसव होता है और पैदा होते ही जब बड़ा हो गया और बड़ा होते ही सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करता है। और बर्बरीक कहता है कि पहले तो माता मोरवी ने कहा पुत्र जन्म लेते ही लोक कल्याण की बातें कर रहा है, इसलिए इसके इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर कि जीवन का श्रेय किसमें है। द्वारिका के रक्षकों ने कहा ग्राम ग्राम में सब सज्जित हो जाओ, एक साथ दो दो राक्षस हमला करने के लिए आ रहे हैं द्वारिका। अब जब तैयार होने के लिए इधर उधर भागने लगे, अस्त्र शस्त्र संभालने के लिए वहीं रुक गए। क्यों? क्योंकि भीमसेन कौन है और भगवान कृष्ण से उनका क्या संबंध है ये सारे द्वारकावासी जानते हैं, मामा भुआ भाई है ना, जिसमें उग्रसेन, वसुदेव, अक्रूर, सात्यकी और बलराम, इनको प्रणाम करके वासुदेव भगवान कृष्ण के चरणों में पिता पुत्र झुक जाते हैं। भगवान उठ करके उन दोनों को अपने चरणों से उठाते हैं, उनका आपके द्वारा सुझाई गई कन्या मोरवी से मुझे ये पुत्र उत्पन्न हुआ है और ये आपसे कोई जिज्ञासा करना चाहता है। और भगवान ने बर्बरी को क्या कहा, वत्स मोरवे, मोरवे यानी मोरवी का पुत्र है इसलिए मोरवे कहा। अतः सबसे पहले तो मैं आपको अपनी मन और बुद्धि को स्थिर करके अर्थात एकाग्र करके आपको प्रणाम करता हूं। अब मेरी जिज्ञासा यह है
कि जीवगण को श्रेय प्राप्ति कैसे हो। देखिए कोई धर्म को श्रेय बताता है, धर्म को श्रेष्ठ बताता है, आप करो इंद्रिय संयम रखो, अध्ययन करें और धर्म की रक्षा करें और धर्म का प्रचार करें, ये साधन मनीषी गणों ने ब्राह्मणों के लिए बताया है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं क्षत्रिय। पूर्व काल में जितनी भी संपन्नता का अगर कोई मापदंड था तो वो इसी बात से लगाया जाता था कि जिसके पास जितनी गौ माता होती थी वो उतना ही बड़ा धनवान होता था। ये श्री साधन बताया भगवान। अब चूंकि तुम्हारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है इसलिए तुम्हें सबसे पहले बल प्राप्त करना चाहिए, और बल कैसे प्राप्त किया जाता है, देवी की आराधना करके और बल प्राप्त करा। वो देवियां कुछ भी देने में संभव है, कुछ भी दे सकती हैं। जब बर्बरीक से ये कहा तो बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया। घटोत्कच बोले प्रभु ये यहीं से? बोले हाँ अभी यहीं से अपनी आगे की यात्रा पे जाएगा, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना कि आगे क्या होने वाला है। महिसागर संगम जाने के लिए बर्बरीक तैयार हैं। जाओगे उतनी आपकी डुबकी गिनती में आएगी। हाँ महिसागर वर्तमान में गुजरात में है, खंबात की खाड़ी। ठीक है जोरदार ताली बजाएं तू। और चलो महिसागर में डुबकी लगाएंगे, चलो महिसागर में डुबकी लगाएंगे, चलो महिसागर में डुबकी लगाएंगे, शक्ति स्वरूपा गाने लगाएंगे, शक्ति स्वरूपा गाने लगाएंगे, चलो महिसागर में डुबकी 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 लगाएंगे।
बहुत बड़ा महत्व है महीसागर का। इसलिए भगवान ने बर्बरीक को देवियों की आराधना करने के लिए महीसागर संगम भेजा। सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो धरती पर कभी कभी ही आता, जिसके पराक्रम से धरती का भार उतर ही जाता। इसकी गाथा ऐसी प्यारी लगती, बड़ी सुहानी। बर्बरी महिसागर संगम पहुंचते हैं और गुप्त क्षेत्र में जाकर के दत्तस्थली में अपना आश्रम बनाते हैं और कर्म समाधि के द्वारा देवी की त्रिकाल पूजा करते हैं। पुष्प धूप विविध उपचारों के द्वारा देवियों की आराधना करने लगते हैं। इस प्रकार 3 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और 3 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो माता प्रकट हो जाती है। बोलिए सिद्धांबिका देवी की अरमान। महिसागर संगम तीर्थ में धोनी खूब रमाई, विजय हुई है
प्रकट होती है और बर्बरीक से कहते ही मांग, और बर्बरीक माता को हाथ जोड़े खड़ा है और मां ने बर्बरीक को तीनों लोकों में किसी के पास इतना बल नहीं है उतना बल प्रदान किया। तीनों लोकों में जितना बल किसी के पास नहीं है उतना बल माता ने प्रदान किया बर्बरीक को, और बर्बरीक से कहा, बर्बरीक यहां पर विजय नाम का एक ब्राह्मण आएगा, वो यहां पर साधना करेगा तब तुम्हारा और मंगल होगा। तुम्हें साधना में उसकी रक्षा करनी है। और बर्बरी माता को प्रणाम करते हैं और उस ब्राह्मण विजय की प्रतीक्षा। अब उधर क्या है, माता ने ब्राह्मण विजय को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, माता सिद्धांबिका के आंगन में जाके तुमको अपनी साधना करनी है, वहां बर्बरी जो है उसको मैंने तुम्हारी रक्षा का भार दिया है, इसलिए वहां जाके साधना करो। भूलिए सच्चे दरबार की, और ब्राह्मण विजय को स्वप्न में दर्शन सिद्ध माता ने दिया है, सिद्ध माता ने दिया है, सिद्ध माता ने दिया है। आराधना करो सुर देवी, रक्षा भार दिया है, रक्षा भार दिया है, रक्षा भार दिया है। माता ने कहा, विजय विप्र से तुम्हारी जो रक्षा का भार है वो मैंने बर्बरीक को सौंपा है, और उस स्वप्नावस्था में ही बर्बरीक ने वो भार ग्रहण किया और विजय विप्र को स्वप्न में ही बर्बरीक सामने आकर के उनसे वो भार ग्रहण करते हैं, अर्थात माता की आज्ञा का पालन करने के लिए बर्बरीक तैयार है। आराधना करो सूरधे ने रक्षा भार लिया है, सूरधे भगवान कृष्ण का दिया हुआ नाम है। जब घटोत्कच ने आए द्वारिका की, घटोत्कच ये तुम्हारा पुत्र है ना, बहुत सुंदर हृदय का है, इसलिए मैं इसका नाम सूरधे रखता हूं। सब प्रकार से देवियों की आराधना में संलग्न है बर्बरी, विजय विप्र की प्रतीक्षा में माताओं की सेवा में लगे हुए हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जी। जब से नाम लिया है तेरा जुड़ गया तार से तार, जब से नाम लिया है, और बदल गया दुनिया का नजरिया, बदल गया संसार, बदल गया दुनिया का, श्याम दिन फिर गए मेरे, श्याम दिन। अच्छा, बाबा के दरबार कौन कौन गया है? मानते हो बाबा के दरबार जाने से दिन फिरते हैं ना, तो जिसके नहीं फिरे आज ही फिरेंगे। पूरे पूरे हाथ उठाओ जोरदार तालियों से, 1 2 3 4। बदल गया संसार।
Yeah.
बाबा के दरबार जाने से दिन फिर जाते हैं, और जो जाता है उसको ये अनुभव निश्चित रूप से होता है, क्योंकि बाबा कलयुग का साक्षात देव है। बोल सांचे दरबार की। सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, जय जय श्याम जय श्री श्याम, 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 जय जय श्याम जय श्री श्याम। ओ शीश के दानी की वो विजय विप्र की प्रतीक्षा में है, और तभी एक दिन विजय विप्र मगध देश के विजय ब्राह्मण, जिन्होंने पैदल ही इस पूरी धरती का भ्रमण किया था, हमारा मतलब पूरी धरती को नाप दिया था पैदल ही, तब माता ने काशी के विद्वान पंडित वो महिसागर संगम आते हैं, और बरबरीक से जैसे ही आमना सामना होता है, बरबरीक प्रणाम करते हैं, विजय विप्र आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम बरबरीक ही हो ना। कैसे पहचाना? कि माता ने जब स्वप्नावस्था में दर्शन दिए तब जो रक्षा का भार ग्रहण किया था बरबरीक, बरबरीक ने कहा हां, और मुझे माता ने चंडिल नाम भी दिया है, ये एक और नाम बरबरीक का, बरबरीक सूरद है और अब चंडिल। और आप मगध देश के विजय विप्र ही हैं ना? विजय विप्र ने कहा हां, और दोनों आगे बढ़ते हैं। तदंतर कृष्ण पक्षीय चतुर्दशी तिथि को विजय ने उपवासी रह करके समस्त लिंगों की देवियों की अर्चना की, और बरबरीक भी उपवासी रहा, स्नान आदि करके विजय के साथ पूजा में भाग लिया। अब विजय विप्र को माता ने महिसागर संगम भेजा, बरबरी को उसकी रक्षा का भार दिया। क्यों? क्योंकि जब साधना करेंगे तो विभिन्न प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होंगे। विश्वामित्र जी राम जी को जब लेने गए, क्यों लेने गए थे? क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं थी उनको यज्ञ नहीं करने देती थी,
तब उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि अवतार हुआ है, कहां हुआ है, तब फिर अयोध्या गए भगवान को लेने। अब कारण तो एक ये है, लेकिन दूसरा कारण ये था कि उनको जनकपुर आना था। सबसे बड़ा कारण क्या था? राम जी को दशरथ जी देने के लिए तैयार नहीं थे, विश्वामित्र जी को। दशरथ जी ने कहा कि यदि आपको वहां राक्षस परेशान करते हैं तो मैं अपनी सेना के साथ चलता हूं। लेकिन अब चौथे पन में तो पुत्र उत्पन्न हुआ है और आप उसे लेने के लिए आ गए। विश्वामित्र जी ने इतनी बार कहा, बिल्कुल तैयार नहीं हुए महाराज। तब वशिष्ठ जी की ओर देखा। अब वशिष्ठ जी ने क्या कहा पता है क्या? मतलब राम जी को देने को क्यों तैयार हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है यहां के लिए। क्या? वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि आप इनको इनके साथ भेजोगे ना, इनको इनका विवाह हो जाएगा, इनका विवाह हो जाएगा। विवाह की बात सुनी तब दशरथ जी ने सोचे, बोले चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। तब भगवान राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजने को तैयार हुए थे दशरथ जी। और विवाह कहां होना था? यही होना था, और क्या, जनकपुर धाम में। तो बरवरी साधना में किस प्रकार रक्षा यही कर सकता है। माता ने पहले ही बरबरी को तीनों लोकों में किसी के पास जितना बल नहीं है उतना बल दिया है, और उसके बाद रक्षा में नियुक्त किया है। अब कितने भी बड़े भयंकर राक्षस आओ, पहले से व्यवस्था कर दी ना। इसीलिए विजय विप्र को माता ने सिद्धांबिका देवी के आंगन में तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए भेजा है। अब दोनों तैयार हैं। रात्रि में सिद्ध माता के समक्ष जाकर वहां पर एक नौ हाथ का भगाकार मंडल बनाया। वहां समसूत्र से आठों दिशाओं में अभिमंत्रित करके आठ कीलक गाड़ दिए। दोनों ने मृग चर्म धारण किया, शिखाबंधन किया तथा दिग्बंधन किया। दिग्बंधन यानी दिशाओं को बांधना। फिर विजय ने बरबरीक से कहा, मैं जब तक कर्मानुष्ठान करता हूं तब तक तुम पवित्र भाव से देवी का पाठ करते हुए जागते रहना, जिससे मेरे प्रति कोई विघ्न घटित ना हो। देखिए, मेरे प्रति विघ्न घटित ना हो, इस वाक्य के साथ ही बरबरीक उनकी रक्षा के लिए नियुक्त हो गया हमारा कि अब रक्षा करनी है। अब बरबरीक ने विजय विप्र से कहा, आप निश्चिंत होकर के अपनी साधना कीजिए, कोई भी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, और होगा तो सबसे पहले मेरे पास आना होगा। अर्थात आपकी साधना के बीच में और उस विघ्न के बीच में मैं खड़ा हूं। भूलिए सांचे दरबार की। अब तदंतर विजय विप्र सुखासन पे बैठ गए। ओम गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके गुरु को प्रणाम किया। उसके बाद में क्षेत्रपाल पूजन किया। ओम क्षां क्षेत्रपालाय नमः। उसके पश्चात वटयक्षिणी का पूजन किया। उसके बाद माता सिद्धांबिका की स्तुति की। अब जैसे ही साधना आरंभ होती है और प्रथम प्रहर जैसे ही आता है, एक रमणी आविर्भूत होती है। एक वस्त्र पहन रखा है, ऊपर से नीचे तक खून से सराबोर है। उसके बाल ऊपर की ओर खड़े हुए हैं, दोनों नेत्र अत्यंत भीषण है, दांत श्वेत
और ये नारी मूर्ति ऐसे भी भयंकरी थी माँ। काम रूपा महाजिव्या नाम की राक्षसी आई और विजय विप्र की ओर बढ़ने लगी। बरबरी बरबरी उठे और जाकर के उस कामरूपी जिभ्या महाजिभ्या नाम की राक्षसी को गर्दन से पकड़ लिया और इतना जोर से चिल्लाई, उससे ज्यादा जोर से बरबरी चिल्लाया और जैसे जैसे गर्दन दबाई वैसे वैसे शिथिल होती गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, मुझे मुक्त कर दो, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगी और यदि मुझे मुक्त करोगे, मुझे छोड़ दोगे, तो आज से शपथ लेकर के कहती हूं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। मैं काम रूप महाजिव्या नाम की राक्षसी हूं, काशी के शमशान में रहती हूं और देव दानव दोनों को समान रूप से पीड़ित करती हूं, किंतु यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो भविष्य में किसी भी प्रकार से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार का वचन लेकर बर्बरीक ने उसे मुक्त कर दिया और पूर्ववत जहां बैठा था विजय विप्र की रक्षा के लिए वहीं पर बैठ गया। बोलिए सांचे दरबार की, हो जय जय श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्याम, जय श्री श्याम। वो शीश के रानी वो तो महाजिव्या नाम की राक्षसी आई मारा। विजय विप्र अपनी साधना में लगे हुए हैं और जैसे ही मध्य रात्रि हुई भीषण गर्जन सुनाई पड़ने लगा, एकदम नरक के जैसा अंधकार छा गया और एक 100 शिखरों वाला पर्वत नजर आने लगा और उस पर्वत से बड़े बड़े पत्थरों की पेड़ों की बरसात होने लगी। 100 शिखर बरबरीक वहीं से उठा और जाकर के उसके सर पे सवार हो गया और जितना वजन उसका उससे ज्यादा वजन बढ़ाने लगा और इतना वजन बढ़ाया कि उसको वो 100 शिखरों वाला पर्वत चूर चूर हो गया। मगर जब खड़ा हुआ फिर से तो रेवलेंद्र नाम का महान राक्षस पैदा हुआ। बरबरीक ने उसे दोनों पैरों से उठाया और 100 बार घुमा के और धरती पर फेंक दिया। रेवलेंद्र के प्राण पखेरु उड़ गए और उसे उठाकर के जहां पर फेंका
उस जगह आज भी उसके नाम से एक गांव का नाम है रेपलेंद्र के नाम से, महिसागर संगम। ओ जय जय श्याम, जय श्री श्याम, 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 जय जय भूल सांची दरबार की। रेपलेंद्र के नाम से आज भी वहां एक ग्राम स्थित है, अवंती के शमशान का अधिपति। अच्छा, वृत्रासुर के समान पराक्रमी था महाराज। ये बड़े बड़े जो राक्षस आ रहे हैं, जो इतने बलशाली, वृत्रासुर के बराबर उसको बताया गया है। अर्थात ये बताया जा रहा है कि जो बर्बरी वर्तमान में जो श्याम बाबा है, पूर्व जन्म में क्या था, कितना बड़ा बलशाली था और क्या क्या किया। क्योंकि जब ये कहा गया कि तीनों लोकों में किसी के पास शक्ति नहीं है, उतनी शक्ति माता ने उनको दी, तो फिर महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लेने दिया गया। कई कारण है ना, ये बात कल आएगी सारी। तो ये इतने बड़े बड़े राक्षसों से इसका जो सामना हो रहा है, ये इनको समाप्त कर रहे हैं। ये यही बताने का है कि इतना बड़ा बलशाली था बर्बरी, और चुटकियों में काम करता था। ये भी नहीं है कि कोई युद्ध कई दिनों तक चले, ऐसा भी नहीं। तो रेपलेंद्र इस प्रकार से निहत हुआ, मारा गया, और बर्बरीक ने उसका वध करके पूर्व अवस्था में फिर वही स्थित हो गया। और फिर आया तीसरा प्रहर, और तीसरे प्रहर में एक दूह द्रोहा नाम की खच्चरी का वेश धारण करके राक्षसी आई। खच्चरी का वेश धारण करके और बर्बरी की, बर्बरी की ओर ना, विजय मित्र की ओर, क्योंकि उसका यज्ञ विध्वंस करवाना है उनको, उसकी ओर दौड़ती है। किंतु बर्बरी सामने आ जाती है और बर्बरी जाकर के उस खच्चरी पे सवार हो जाते हैं और उसके नथुनों को पकड़ करके और घुमा करके धरती पे पटक देते हैं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तब बर्बरीक ने उसे उठा करके जहां फेंका, आज भी उसके नाम से भी वहां एक ग्राम स्थित है। भूलिए सच्चे दरबार की। हो जय जय श्याम, जय श्री श्याम, 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 जय जय श्याम, जय श्री श्याम। भूल सांचे दरबार की। तीन प्रहर में जितने भी विघ्न आए, बर्बरीक ने सबको समाप्त कर दिया। अब चौथा प्रहर आता है, और चौथा प्रहर वो है, उसके बाद में प्रातःकाल हो जाना है। अब चौथे प्रहर में बर्बरीक उसी अवस्था में बैठे हैं कि एक जैन मुनि आते हैं, और जैन मुनि आते कहते हैं, आहा, अतीव दुख की बात है, अहिंसा ही परम धर्म होता है। तब अग्नि जलाकर होम करने से तो उसमें अनेक जीवों का वध होता है। बंद करो, ये बंद करो ये। अब जैसे ही उसने कहा बंद करो, बर्बरीक के कान खड़े हो गए। बर्बरीक ने सोचा कि यज्ञ की निंदा करने वाला साधु तो नहीं हो सकता, और इतने में जैन मुनि आगे बढ़ रहे हैं विजय विप्र की ओर। बर्बरीक बीच में जाके खड़ा हो जाता है दोनों।
महाराज ठहरिए, कैसी बातें कर रहे हैं। यज्ञ करने से, यज्ञ तो देवताओं का मुख है, अर्थात इसमें जो आहुतियां दी जाती है ना, वो इसी के माध्यम से तो देवगणों को प्राप्त होती है। और आप कह रहे हो अब जैसे ये कहा तो उचित उत्तर नहीं दे पाए। नहीं नहीं बंद करो बंद करो बंद करो। बरबरी के समझ में आ गया कि ये जैन मुनि के वेश में कोई ना कोई राक्षस है, और बरबरी ने उसको पकड़ के और जैसे ही पटका, अब महाराज जब वो खड़ा हुआ तो महाभयंकर राक्षस और वहां से दौड़ गए आगे आगे। वो राक्षस दौड़ रहा है पीछे पीछे बरबरी, और राक्षस जाते जाते धरती में समा गया, बरबरी भी उसी के साथ धरती में समा गया। और आगे जब गया तो पाताल लोक में क्या देखता है, बहुप्रभा नाम की नगरी, 60 करोड़ पलासी नाम के देते। और जैसे ही वो पलासी देते गया अंदर, सबको आभास हो गया कि कोई ना कोई संकट आ गया, मारो काटो। बरबरी के ऊपर सबने एक साथ प्रहार किया। अब यहां लिखा है ध्यान देना, बरबरीक ने उन को अपने हाथों से पैरों से ही कुचल कुचल के मार दिया सबको। बताइए इतना बलवान है बरबरी। हो जय जय श्याम जय श्री श्याम, 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 जय जय श्याम। योजन वाली बहुप्रभा नाम की नगरी, और भीतर प्रवेश किया। 9 करोड़ भीषणाकार दैत्यवीर विविध अस्त्र शस्त्र लेकर बरबरी को मारने दौड़े मारा, और भीम पौत्र बरबरीक ने उन्हें आते देखा, क्रोध पूर्वक निमीलित आंखें यानी आधी खुली हुई और आधी बंद करके और उनमें घुस गया महाराज। जैसे मंत्र हाथी कमल के वन में घुसकर उनका दलन करता है, उसी तरह बरबरीक ने अपने कराघात से, पदाघात से, अपने वक्ष स्थल से ही उनको समाप्त। ओ ब्राह्मण विजय को स्वप्न में दर्शन सिद्ध माता ने दिया है, सिद्ध माता ने दिया है, सिद्ध माता ने दिया है। आराधना करो सुर देने रक्षा भार लिया है, रक्षा भार लिया है, रक्षा भार लिया है। बड़े बड़े हो जय जय
देवतियों का वध कर दिया और उसके बाद वहां नाग वासुकी आदि प्रमुख नागगण प्रकट हो गए महाराज और क्या कहते हैं, हे भीम पौत्र, मतलब बर्बरी की स्तुति करते हैं और फिर कहते हैं हे भीम पौत्र, आपने इस पलासी दैत्य को उसके अनुचरों के साथ नष्ट किया है, इससे तो हम नागों का पहला उपकार सिद्ध हो गया महाराज। ये दुरात्मा हमें अपने अनुचरों के साथ अत्यंत कष्ट देता था, इस कारण से हम इस पाताल के निम्न भाग में से भी नीचे चले गए। इतने निम्नतर भाग में जाने को हम बाध्य हो गए थे, अब आप हम नागों के से इच्छित वर मांगिए, हम सभी संतुष्ट होकर आपको वर देना चाहते हैं। अब बर्बरी क्या कहते हैं, बोले मैं किसी पारितोषिक की इच्छा से तो कोई काम करता ही नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब हम कहते हैं वो बाबा हारे का सहारा है, ये देता है वो देता है, ये सारी भूमिका देखो पहले से बनती आ रही है, क्या कह रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बताइए, मना भी कर रहे हैं और जिसके पास तीनों लोकों में किसी के पास नहीं उतना बल हो वो मांगेगा, किंतु नाग वासुकी ने कहा कि तुमको लेना पड़ेगा, क्यों, ये मेरी आज्ञा है। अब आज्ञा है तो भाई आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए और कुछ प्राप्ति भी नहीं होनी चाहिए। किस तरह से क्या मांगता है ध्यान देना, बोलिए सच्चे दरबार की। नाग वासुकी प्रकट हुए तब करी प्रशंसा भारी, तब करी प्रशंसा भारी, दैत्यों से छुटकारा पाया हर ली विपदा सारी, जो चाहे वो लीजिए, मतलब जो तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांग लो मेरे से। लेकिन बर्बरीक ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वासुकी नाग ने कहा कि ये मेरी आज्ञा है, और जब आज्ञा की बात आई तो क्या मांगा बर्बरीक ने, नाग वासुकी प्रकट हुए तब करी प्रशंसा भारी, तब करी प्रशंसा भारी, तब करी प्रशंसा भारी, दैत्यों से छुटकारा पाया हरली विपदा सारी, हरली विपदा सारी, हरली विपदा सारी, मांगे मांगे वर मांगे बर बरिक जो इच्छा हो लीजिए।
मिला ही मेरे को आप ऐसा वरदी, वरदान में भी परोपकार देखिए। क्या मांगा? ब्राह्मण विजय को जो सिद्धि चाहता है वो उसको, ब्राह्मण को सिद्धि मिल जाए ऐसा वर दिया। और क्या कहा? अपने लिए मैं कुछ ना मांगू, अपने लिए मैं कुछ ना मांगू, आज्ञा आपकी मांगी। पशुपतिनाथ बाबा की यहाँ मंदिर है वासुकीनाथ है, तो चंदन भैया ने हमको वहां दर्शन कराए, तब मेरे को कथा याद आ गई। क्योंकि जब मैं गुवाहाटी गया था कथा करने, तो कामाख्या मैया के दर्शन करे, और कामाख्या मैया भी हमारी कथा में है, नाग वासुकी के दर्शन किए वो भी हैं, श्याम बाबा तो हैं। बोल सांचे दरबार की। नाग वासुकी ने कहा मेरी आज्ञा है, तो बर्बरीक ने कहा वो ब्राह्मण को सिद्धि मिल जाए, आप इतनी कृपा कीजिए, ऐसा वर दीजिए, अपने लिए मैं कुछ ना मांगू, आज्ञा आपकी मानी, ये आपकी आज्ञा थी इसलिए मैंने ये मांगा। अब बर्बरीक नाग जितने प्रकार के वहां पर हैं सबसे सम्मानित होकर के और वापसी आ गया। वापसी आते हैं तो क्या देखते हैं, एक दूर नाग कन्याएं एक शिवलिंग की पूजा कर रही हैं, सर्व रत्नमय शिवलिंग। बर्बरीक उनके पास जाते हैं और पहले तो भगवान भोलेनाथ को दर्शन करते हैं और फिर पूछते हैं उनसे कि मैं यहां आकर के जो सामने चार मार्ग दिख रहे हैं इनको देख करके मैं भ्रमित हो गया हूं, गुप्त क्षेत्र की ओर कौन सा मार्ग जाता है महिसागर संगम? नाग कन्याओं ने कहा हे वीर, पहले तो आप हमें बताइए कि आप कौन हैं, हमने आपको यहां से एक राक्षस के पीछे जाते हुए देखा था और अब आप अकेले ही आ रहे हो, आप कौन हैं? बर्बरीक ने कहा मैं पांडव कुलभूषण भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का पुत्र हूं, मैं उस राक्षस के पीछे आया था, अब मैं उन सभी राक्षसों को समाप्त करके वापस भूलोक पे जा रहा हूं, मैं यहां ये चार मार्ग देख करके भ्रमित हो गया, इसलिए आप मुझे बताइए महिसागर संगम गुप्त क्षेत्र को कौन सा मार्ग जाता है। अब आप बताइए, जब आया था तो पता नहीं था, वापसी में क्यों पूछ रहे हैं, आए भी तो थे ना, फिर क्यों पूछ रहे हैं, आए थे वैसे चले जाएंगे। कारण है क्योंकि आए थे जब किसी के पीछे आए थे दौड़ते दौड़ते, और जब आपके आगे कोई होता है आप उसका पीछा कर रहे हो तो मार्ग कौन तय करता है? आगे वाला तय करता है, क्योंकि वो जिधर जाएगा उधर जाना है ना। लेकिन कैसे कैसे लेके गया वो, ये तो ध्यान नहीं है ना वो वापसी में, इसलिए मार्ग पूछा जा रहा है। गुप्त क्षेत्र में सिद्धलिंग के पास बर्बरीक आया, पास बर्बरीक आया, पास बर्बरीक आया, स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति से ये मार्ग बनाया, ये मार्ग बनाया।
आदमी को सुनिए, आपने बता दिया, बोले क्या, बोले 9 करोड़ प्लासी देते को आपने समाप्त कर दिया। अब आप एक काम करिए, आप हमसे विवाह कर लीजिए। अब ये देख सुनकर के बर्बरीक तो आश्चर्य में रह गई, कैसे? गुप्त क्षेत्र में सिद्धलिंग के पास बर्बरीक आया, पास बर्बरीक आया, पास बर्बरीक आया, स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति से ये मार्ग बनाया, से ये मार्ग बनाया, से ये मार्ग बनाया, ना कन्या बन जाओ, साथ रहेंगे सदा हमारे, मिलकर खुशी मनाओ, हम सब मिलकर यहीं बनाएंगे अपनी राजधानी, यानी बहुप्रभा नगरी अब खाली हो गई है देवताओं से, तो हम यहीं रहेंगे। बर्बरीक ने कहा, कैसे विचार लिया आपने? मैंने मार्ग पूछा है तो आपको कैसे लगा कि भाई मेरा इस तरह का कोई आशय हो सकता है? क्या कहा? और इतनी बात सुनी सुरधय ने, बोला सुनो हमारी, बोला सुनो हमारी, बोला सुनो हमारी, ऐसा प्रयोजन नहीं है मेरा, कैसे बात बिचारी, कैसे बात बिचारी, कैसे बात बिचारी, अखंड ब्रह्म Yeah.
इतनी बात सुनी सूरज ने, बोला सुनो हमारी, ऐसा प्रयोजन नहीं है मेरा, ये विवाह वगैरह करने का कोई मेरा प्रयोजन नहीं है। कैसे बात विचारी, मैंने ऐसा क्या किया कि आपको ऐसा विचार हो गया? अखंड ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले रखा भारी, कोई मुझे डिगा ना पावे, कैसे बात विचार। अखंड ब्रह्मचारी की कीर्ति सारे जग ने जानी, अर्थात मैंने नैष्टिक ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। नैष्टिक मतलब निश्चित रूप से किया जाने वाला, मतलब कोई किंतु परंतु नहीं, ध्रुव सत्य। बोले मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का वर्ण किया है, इसलिए मेरा आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। और ब्रह्मचर्य का एक तो उदाहरण उन्हीं के खानदान में है, गंगापुत्र भीष्म। इस प्रकार बर्बरी उन नाग कन्याओं का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा करके, और फिर कहता है कि आप मुझे वो मार्ग बताइए जिससे मुझे आगे जाना। नाग कन्याओं ने बर्बरी को प्रणाम किया और शाम ने उत्तर दिशा के मार्ग को बताया, ये मई सागर संगम गुप्त क्षेत्र की ओर जाता है। बर्बरी उनसे विदा लेकर के प्रस्थान करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, ऐसा बलवान है बाबा, इतना नाग कन्याओं के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा करके आगे आते हैं, और फिर आगे जाकर के क्या क्या होता है। तो ऐसे बाबा का आज खाटू धाम में आज विशेष जन्मोत्सव बाबा का मनाया जा रहा है। अब जन्मोत्सव का कोई प्रामाणिक आधार तो है नहीं, क्योंकि दो आधार होते हैं, क्योंकि बर्बरी का जन्म और श्याम बाबा का जन्म, उसकी तारीख का यदि हम आंकलन करें तो वर्तमान में जो हम जिसको पूज रहे हैं वो श्याम बाबा हैं, जिसने अपने शीश का दान दिया। किंतु भगवान, कोई एक दिन तो ऐसा होता है, क्योंकि लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, जो करते हैं उन्होंने ही कभी पहले कोई दूसरी बात कही थी, आज दूसरी कह रहे हैं, लेकिन सब लोग आज की इस एकादशी को बाबा के जन्मोत्सव के विषय में ही जानते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। हो गली गली ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में श्याम होना चाहिए। क्या है ताली बजाते हुए गाइए सब मिलकर के, हो गली गली ऐलान होना चाहिए। हाँ देखो, आप कथा सुन रहे हैं, मैं समझ रहा हूं अच्छी बात है, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि कोई बात छूट नहीं जाए, लेकिन आप भजन में तो गा सकते हैं, बाकी टाइम नहीं जान रहे, क्योंकि आपका ध्यान ऐसे है तो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, कितना बोलेगा, हमको पता रहना चाहिए, कल को हमारा कल का गिफ्ट मिस नहीं हो जाए, है ना। बिल्कुल नहीं होगा, एक बात को तीन बार बोलता हूं मैं, ठीक है ना। गाइए सब मिलके, हो गली गली ऐलान होना चाहिए, हाँ।
बांट की भी नहीं आती खुशी मेरे परिवार। गली गली ऐलान होना चाहिए और हर मंदिर में श्याम, तो बोलो खाटू नरेश की। और इस बात पे जोरदार जयकारा होना चाहिए, बोल खाटू नरेश की। सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, जय जय। ओ जय जय बोलिए सांचे दरबार की, बोल खाटू नरेश की, बोलिए शीश के दानी की।
के विप्र को आनंदित करते करने लगे। विजय विप्र बरबरीक से कहने लगा, आकाश में स्थित है, धरती से ऊपर उठ गए हैं देखिए, और वहीं से कहते हैं, हे वीरवर, मैंने तुम्हारी कृपा से, देखिए सामान्य भस्म नहीं है, तुम इसे स्वीकार करो। परवरिक ने कहा, देवगण मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये ब्राह्मण देव ने सिद्धि प्राप्त की है, लग गई तो पांडवों का बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और जब पांडवों के अनर्थ की बात आई तो फिर बरबरीक ने वो भस्म स्वीकार कर ली। बोलिए सच्चे दरबार की। तब देवी ने खुश होकर के दिया भस्म सिंदूरी, दिया लगा कर फिर तू बेटे तू जवान चलाना। तब देवी ने खुश होकर के दिया भस्म सिंदूरी, इसमें बाण लगा के चलाना करना प्रतिज्ञा। एक बाण से दुश्मन के मर्म स्थल का पता लगाना, और ध्यान लगाकर फिर तू बेटे दूजा बाण चलाना, तीन बाण तिहु लोक को जी। और ये तीर्थ करते 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 महिसागर संगम गुप्त क्षेत्र पहुंचे। पांडव गण जब बन बन भटके शुभ तीर्थ में आए, शुभ तीर्थ में आए, हाथ मुंह धोने लागे, हाथ मुंह धोने लागे, हाथ मुंह धोने लागे। और बरिक ने कहा दुर्मते, बोले बाहर आते हो या नहीं? भीमसेन ने कहा, लो राक्षस तेरी इस गांव गांव से मेरे कान पक गए हैं। बोले बोले बाहर आओ। अब लोग बाग श्याम कुंड में जाते हैं, सीधे ही नहाते हैं ऐसे ही। कहीं भी जाओ तीर्थ स्थल पर, यदि स्थिर जल है जो बहता हुआ नहीं है, वहां पर इस प्रकार से स्नान नहीं करना चाहिए। पहले बाहर ना हो, उसके बाद उसमें प्रवेश करो, या बाहर लेकर के उससे बाहर स्नान करके फिर उसमें प्रवेश करो। और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। यदि कोई ऐसे तीर्थ में मलमूत्र कुल्ला त्याग करता है तो उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, ये लिखा हुआ है। इसलिए आगे से जब भी श्याम कुंड हो या जहां भी कुंड में स्नान करना हो, पहले बाहर स्नान करना फिर उसके अंदर जाना। और जहां नदी है, गंगा जी है, यमुना जी है, वहां स्नान ऐसे कर सकते हो क्योंकि वो बहता हुआ पानी है। तो बरबरीक ने कहा, बोले तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है तो क्यों ये तीर्थाटन करते करते घूम रहे हो? अब बाहर आ जाओ। फिर भी जब भीमसेन ने कहा कि तीर्थ बने किस लिए हैं, मैं तो स्नान करूंगा। और जब इतनी बात कही, बहुत बार जब कहा भीम से शीघ्र ही बाहर आओ, शीघ्र ही बाहर आओ, शीघ्र ही बाहर आओ, देवी कुंड का निर्मल जल इसे दूषित ना बनाओ, इसे दूषित ना बनाओ, इसे दूषित ना बनाओ। सुनकर भीम क्रोध में
पर की। बहुत बार जब कहा भीम से शीघ्र ही बाहर आओ, अरे देवी कुंड का निर्मल जल इसे दूषित ना बनाओ। सुनकर भीम क्रोध में आए और राक्षस क्या कहते, और देवी का अपमान हुआ जो भक्त कभी ना सहे। ऐसा कह वहां दोनों ने फिर मल्ल युद्ध की ठानी। अर्थात बर्बरीक ने कहा जल्दी से बाहर आओ वरना ये पत्थर में तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। इतना कहते फेंक दिया मैं, और जैसे तैसे करके भीम बचा। और बचने के बाद उसका और क्रोध हो गया। भीम उधर से चलता है, बर्बरीक इधर से चलता है, दोनों आपस में आकर के भिड़ जाते हैं। कभी ऊपर ये कभी वो कभी ये, चलते 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 दो घड़ी बीती महाराज। और क्या हुआ, तो ही घड़ी में भीमसेन वहां दुर्बल पड़ने लागी। दुर्बल पड़ने लागी, दुर्बल पड़ने लागी। दो घड़ी में ही महाराज 48 मिनट। भीमसेन 10,000 हाथियों का बल वाला शिथिल हो गया बर्बरीक के सामने, और बर्बरीक जैसे शिथिल होते देखा और उठा लिया भुजाओं को भीम से। बर्बरीक ने उठा भुजाओं पर जब ठेगन लागी, दो ही घड़ी में भीम से वहां दुर्बल पड़ने लागे। बर्बरीक ने उठा भुजाओं पर जब फेंकन लागे, दो ही घड़ी में भीमसेन वहां दुर्बल पड़ने लागे। दुर्बल पड़ने लागे, दुर्बल पड़ने लागे। बर्बरीक ने उठा भुजाओं पर जब फेंकन लागे, पर जब फेंकन लागे, पर जब बर्बरीक ने भीमसेन को सागर में फेंकने के लिए तैयार हुए, भगवान शंकर आ गए महाराज आकाश में। शंकर ने आकाश में स्थिर हो ये वचन उचारे, भक्त श्रेष्ठ क्या करते हो ये पिता में है तुम्हारे। बोल शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम अरुणावतारम संसार सारम युजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। ओरे हाल भाई, जोरदार आवाज में गाइए, हर हर शंभु 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 Bye.
श्रेष्ठ क्या करते हो ये पिता मैं है तुम्हारे। और जैसे ही बरबरीक को पता लगा कि जिनको मैंने अपने हाथों पे उठा रखा है, जिन्हें इस सागर में फेंकना चाहता हूं, जिनको मैं मारना चाहता हूं, वो मेरे पिता मैं है। और जैसे ही ये पता चला,
बरबरी के हाथ शिथिल हो गए और जैसे तैसे करके भीमसेन को नीचे उतारा और बरबरी भीमसेन के कदमों में लौट गया। पिता में मुझे क्षमा कर दीजिए, पिता में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भीमसेन देख रहा है, भीमसेन प्रसन्न हो रहा है, बरबरी दुखी हो रहा है। और भीमसेन की प्रसन्नता का कारण क्या है? भीमसेन सोचता है कि इतना बलवान मेरा पुत्र है, कि तो बरबरी बार बार कहता है, पिता मैं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरी आज तक की जितना तप किया, जितनी तपस्या की, सब व्यर्थ हो गया, पिता मुझे क्षमा। भीमसेन ने अपने कदमों में लौटे हुए बरबरी को उठाया, पुत्र तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पुत्र नहीं पिता मैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस जगत में, शास्त्र में प्रत्येक बात का, प्रत्येक अपराध का प्रायश्चित है, किंतु जो अपने पितृ वर्ग पर, अपने माता पिता पर हाथ उठाता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए मैं इसी सागर में कूद कर अपनी जान दे दूंगा पिता। भीमसेन ने कहा, पुत्र शास्त्र में यह भी लिखा है कि अनजाने में यदि कोई अपराध होता है तो उसका दोष नहीं लगता है, पुत्र तुम्हारा कोई गलती नहीं है। पुत्र हम लोग वर्षों से भटक रहे हैं, घटोत्कच ने, कृष्ण ने हमें बताया था कि तुम यहीं कहीं निवास करते हो, किंतु जब दुर्दिन आते हैं ना तो स्मृति लोप हो जाता है। हमें ये भान ही नहीं रहा कि हमारा पुत्र भी यहां रहता है। किंतु पिता में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है, इसलिए मैं इसी सागर में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। और बरबरी दौड़ पड़ा सागर की ओर, बरबरी का आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे पीछे भीमसेन कह रहे, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। बरबरी दौड़ता जा रहा है, सामने सागर ये देख करके विचलित हो जाता है कि इस बालक बलि में कैसे स्वीकार कर सकता हूं। आगे आगे बरबरीक दौड़ रहा है, पीछे पीछे भीमसेन, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। और तभी रुद्रदेव एक बार फिर प्रकट होते हैं, बरबरीक पुत्र रुक जाओ, यदि तुमने इस सागर में कूदकर अपने प्राण दे दिए तो जो पीछे पीछे तुम्हारे पिता में आ रहे हैं वो भी इसी में कूद कर अपनी जान दे देंगे, इसलिए रुक जाओ। बरबरी के एक पल के लिए रुका, किंतु रुद्रदेव, मैंने जो पाप किया है, मैंने जो अपराध किया है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। देवियां प्रकट होती है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं।